सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, हमारी आज की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व को लेकर के विवादित बातें कही गई हैं। उससे देश की सियासत में उबाला गया है, जहां कांग्रेस के कुछ नेता सलमान खुर्शीद के बयान को अपने अपने तरीके से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की तरफ में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बता दिया है। जबकि बीजेपी हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से किए जाने पर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और उनके निशाने पर सीधे है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सियासत के जानकारों की माने तो सलमान खुर्शीद की किताब में लिखी गई बातों से सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सही मायनों में हिंदुत्व को लेकर जो कुछ भी किताब में कहा गया है उससे बीजेपी को बैठे बिठाए लड्डू हाथ में आ गया है, क्योंकि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व पहले से ही बीजेपी का एजेंडा है और सलमान खुर्शीद ने बीजेपी के इस एजेंडे को और भी मजबूत कर दिया है और यही एजेंडा यूपी के चुनाव में भी धुरी बनकर के सामने आएगा और बीजेपी की नैया एक बार फिर से पार लगाने में बेहद अहम साबित हो सकता है। तो आज हमारी इसी पर बड़ी बहस होने वाली है कि हिंदुत्व के मामले में फंस गई है कांग्रेस। जी हां, आइए अब आपको सुनाते हैं कि सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला है। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। तो संबित पात्रा का सुना आपने, यहाँ पर वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गए हैं हिंदुत्व को लेकर के, और इसी पर हमारे तीन मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर राकेश उपाध्याय हैं, विश्लेषक हैं, धनंजय गिरी हैं बीजेपी की तरफ से, और वहीं रविंद्र ढुल हैं, विश्लेषक हैं। आप तीनों का ही MH1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी आपके पास चलूंगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सोचने वाला विषय है कि 100 करोड़ के हिंदू हैं, आबादी इतनी बड़ी है, इसके बाद भी हिंदुत्व पर सवाल उठता है। आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति तो अलग है, राजनेता अपनी अपनी तरीके से परिभाषा जो है हिंदुत्व का निकालते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं हिंदुत्व को लेकर के, इसकी अवधारणा क्या है? बहुत धन्यवाद किरण जी, आपने आमंत्रित किया है इस संवाद कार्यक्रम में। आज 12 नवंबर है और आज के दिन भारत रत्न प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी की उनकी पुण्यतिथि है जी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो हमारे पूज्य संस्थापक थे, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक ही नहीं थे, वो और भी बहुत कुछ थे। मैं पात्रा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस का चरित्र है ये, गांधी परिवार का चरित्र है। अरे भाई, उस कांग्रेस के 4 बार मालवीय जी अध्यक्ष रहे, 1909 में रहे, 1919 में रहे और 1932-33 में भी कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता मालवीय जी ने की। अब कांग्रेस के भीतर ये सवाल पैदा हो रहा है, मुझे इसको लेकर बड़ा आश्चर्य होता है। कम से कम कांग्रेस
वो अपने अतीत को देखना चाहिए। मैं थोड़ा यहां डिफर करता हूं बात से, कांग्रेस को वास्तव में अपने चरित्र में झांकना चाहिए। कांग्रेस में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे अत्यंत धर्मनिष्ठ नेता रहे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, एक बड़ी परंपरा है। मालवीय जी का मैंने नाम ही लिया, स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कभी इस तरह की बातें उन लोगों ने नहीं की। इंदिरा जी तो जब तक रही तब तक, मतलब पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हमारे काशी के अध्यक्ष थे, तो इन लोगों का जो एक कांग्रेस का स्वरूप इन लोगों ने बनाया था, ठीक है आप मिलू जुली सामाजिक राजनीति के लिए कुछ भी कहिए करिए, लेकिन ये थोड़ा सा लांछन लगा देना, और जिस इतिहास से आप स्वयं जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार की प्रवृत्ति बंद करनी चाहिए। जो हिंदू दर्शन है, हिंदू धर्म है, वह तो कड़कड़ में परमात्मा को देखता है, और मनुष्य की हिंसा उसको अभिप्रेत नहीं है। हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम अभिप्रेत है, जो दुष्ट है उसका विनाश करना, उसको राजनीति से भी हटा देना, और आवश्यकता पड़ने पर विधि सम्मत तरीके से उसको, कानून सम्मत तरीके से, राज्य के संवैधानिक तरीके से इस भूमि से भी हटा देना, ये हिंदू धर्म उसकी अनुमति देता है। लेकिन निरपराध लोगों को, निर्दोष लोगों को बिना किसी कारण अकारण किसी आतंक की विचार को प्रश्रय देकर सारे संसार के अंदर एक प्रकार का जिस तरह से आप, जिस तरह से आपने जो पहले के विचार कांग्रेस के रहे हैं और आपके जो विचार बन गए हैं, तो हम क्या ये मान करके चले कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने विचारों में परिवर्तन कर लिया, अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही है? और इस तरह का अगर बयान आता है, इस तरह के अगर किताबों में लिखा जाता है हिंदुत्व को लेकर के, तो अपने पैरों पर खुद कांग्रेस ने कुल्हाड़ी भी मारी है? अब मैं देखिए, मैं प्रोफेसर, इसमें राजनीतिक प्रश्नों का मैं राजनीतिक तरीके से उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस को थोड़ा मंथन करना चाहिए जी। एक तो इस प्रकार का विचार रखते हैं आप जो आपकी परंपरा के विरुद्ध है। आप ये ध्यान में रखिए कि जिस सेकुलरवाद को लेकर कांग्रेस चली है वह केवल भारत में ही फल फूल रहा है जी। वह केवल उम्मत के आधार पर ही उसका अस्तित्व। चलिए ठीक है, रविंद्र जी से हम उनके पास चले जाते हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। झूल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर राकेश जी ने भी कहा कि कांग्रेस के जो विचार हैं पहले कुछ और थे, अब के वक्त में विचार कुछ हैं जो बदल गए हैं, क्या मंथन करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है? माफ कीजिएगा, कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप विश्लेषक हैं? देखिए, जहां तक बात मंथन की है, निश्चित तौर से एक पार्टी के रूप में मंथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि आप, मैं संविधान की बात करूं, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है इस देश के अंदर, यह देश चलता है संविधान से, तो संविधान के अनुसार सभी धर्म बराबर हैं, सभी मत बराबर हैं, सभी विचारधाराएं बराबर है, सबका सम्मान करना सभी राजनीतिक पार्टियों का धर्म है, और यही एक मूल धर्म है जिसकी पालना सभी राजनीतिक पार्टियों को करनी चाहिए। नहीं तो फिर इस तरह का अगर बयान आता है तो क्या कहें कि कांग्रेस को अपने ही, उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, ये फिर हम मान करके चल रहे? अब मैं यही बता रहा हूँ आपको, यदि सलमान खुर्शीद कुछ लिखते हैं तो वो उनका निजी विषय हो सकता है, लेकिन ये राहुल गांधी उसके ऊपर किसी प्रकार का मत व्यक्त करते हैं तो वह निजी विषय बिल्कुल नहीं रह जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मत है कांग्रेस के, पहली बात तो यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस चीज का मंथन करना चाहिए, उनको इस बात को समझना चाहिए कि जहां तक बात धर्म की है या धर्म विशेष की है, उसके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी ना की जाए। जो गलती, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो लगातार गलती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, वही गलती लगातार जो यदि कांग्रेस करेगी तो वो देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, बिल्कुल भी इस देश की जो बहुलता की जो विशेषता है, विशेषता के लिए कहीं भी किसी प्रकार के भी सही नहीं रहेगी। आपका ये कहना, अब इसको लेकर के धनंजय जी से सवाल हो सकता है आराम से, कि उन्होंने कहा है जो काम जो है बीजेपी कर रही है अगर वही कांग्रेस भी करेगी तो यहाँ पर दिक्कतें जरूर आ जाएंगी और मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। आप पे सीधा सीधा, यानी कि बीजेपी पे सीधा सीधा यहाँ पर उन्होंने एक आरोप लगाया है, जिस तरह से रविंद्र जी ने कहा कि जो बीजेपी करती आई है, जो कर रही है, वही अगर कांग्रेस भी करे तो सवाल उठ रहे हैं। मतलब उन्होंने सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वो अगर कांग्रेस हिंदू पे कह रही है तो आप भी किसी ना किसी धर्म को लेकर के कहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं अपने पहले को पैनलिस्ट की बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा किरण जी।
प्रातः स्मरणीय मालवीय जी की आज पुण्यतिथि है और बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापना की और उनके कृत्य इतने कृत्य हैं उनके जीवन में जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसके लिए सेपरेट समय की जरूरत होगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देश में राजनीति की जो मुख्य धाराएं फूटती हैं उसकी गंगोत्री मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जहां तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे वही मालवीय तीन बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और जहां महात्मा गांधी अपना पहला सार्वजनिक उद्गार सार्वजनिक भाषण बीएचयू के स्थापना दिवस को देते हैं, वहीं पर संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूज्य गुरुजी माधवराव सदाशिव गोलवरकर भी वहीं से अध्ययन और वहीं से अध्यापन का कार्य करते हैं जहां से राजनीति की दूसरी धारा फूटती है। तो इस देश में राजनीति की जितनी धाराएं फूटती है उसकी मुख्य जो स्रोत है उसकी गंगोत्री मालवीय है। हम उस बात पे आते हैं कि कांग्रेस भटक कैसे गई। जब जब से कांग्रेस की कमान पंडित नेहरू जी के हाथ में गई और उन्होंने कहा कि बाई एक्सीडेंट आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, उन्होंने खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहा, बाई कल्चर आई एम मुस्लिम, बाई एजुकेशन आई एम ए क्रिश्चियन, आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू, वहां से कांग्रेस का ये हराज शुरू होता है। और वो आप लगातार देखते जाइए, इंदिरा गांधी के समय में संतों पर गोली चलवाई गई और उसका ये बृहद रूप है, विशद रूप है। और जब भाई साहब कह रहे हैं आप कश्मीर में क्या हुआ, रकीब चलीम गली, इस्लाम कबूल करिए, यहाँ से निकल जाइए, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर जाइए नहीं तो मारे जाएंगे, ये सब सरसरयाम हुआ है। और उस समय कांग्रेस के या किसी भी बड़े राजनीतिक विश्लेषक की या किसी बड़े प्रख्यात लोगों की कोई मुंह से आवाज नहीं निकली। इस देश में प्रताड़ित होता रहा हिंदू, आप हमारा तो ईरान तक थे, हम भाई अफगानिस्तान में हमारा अफगानिस्तान के एयरलाइंस का नाम हरियाणा एयरलाइंस था, वहां जो कांधार है वो कभी गंधार हुआ करता था, वहां की गंधारी हमारे साम्राज्य हुआ करती थी, वो हमारी जमीन थी, हमारा हिस्सा हमसे कटता गया, हमसे बिछुड़ता गया, हमसे टूटता गया, धर्म के नाम पर बटभेद होते गया, इस देश का टुकड़ा हुआ धर्म के नाम पर, और हमसे क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जो करे बीजेपी करे। अरे हम अपने सिद्धांतों के साथ अडिग रूप से खड़े हैं और आज बताने की जरूरत नहीं है, आज का सजग हिंदू है, आज का बच्चा सजग बच्चा है जो खुद पढ़ रहा है धर्म संस्था में युगे युगे देख रहा है, जो जान रहा है फर्जी नैरेटिव से को समझ रहा है, जो समझ रहा है कि भाईचारे का मतलब हम तुम्हें भाई समझे तुम हमें समझो चारा, ये नहीं चलेगा। और ये जो कांग्रेस जो कर रही है सलमान खुर्शीद की किताब या जितने भी ये नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं ये टेस्टिंग हो रही है, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। और ये मैं ये निवेदन करूंगा कि इस टेस्टिंग को बंद कीजिए, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने को भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सही नहीं हो रहा जी। रविंद्र जी आप पे कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे जी। इन्होंने कश्मीर से दो के पलायन की बात की, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो कार्यक्रम जो दो बार हुआ है कश्मीर में जो पंडितों का पलायन हुआ, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी तो खुद के शासन के अंदर पलायन होता है और उसी के ऊपर जो है लगातार 40 साल तक राजनीति जी। रविंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी है, हम कहेंगे कि जल्दी से इसे ठीक किया जाए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन यहीं पर मैं चलूंगी राकेश जी के पास। राकेश जी, बोको हरम या ISIS ये दोनों ऐसे कट्टरपंथी आतंकी संगठन है जिसकी तुलना हिंदुत्व से कर दी गई है, तो ये हर किसी के जहन में सवाल उठेगा कि आखिरकार हिंदू देश में, क्योंकि हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदू देश में अगर हिंदुत्व पर ही सवाल खड़े हो रहे, ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है, तो इसको रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि इस तरह के सवाल ना खड़े हो, और वो भी ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जो इतने सालों से मान सम्मान इस देश में पा चुके हैं। हेलो जी, देखिए सलमान खुर्शीद जी ने जो तुलना की है उनको कल्पना भी नहीं है कि क्या कर रहे और क्या कह रहे। राजनीतिक मतभेद के कारण अपने दिमाग को और अपनी आंखों को मतलब जानबूझ करके बंद कर लेना, इससे जो है आप कोई बड़े नेता नहीं सिद्ध हो जाते, और इन बातों को इन बातों से आपका कोई भला नहीं होने वाला, ना आपके राजनीतिक व्यक्तित्व में कोई बढ़ोतरी होने वाली है और ना आपकी समझदारी को लोग कोई स्वीकार करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर जैसा धनंजय जी कह रहे थे मेरी उससे थोड़ी सहमति है कि कोई टेस्टिंग आप कर रहे हैं लगता है। इस प्रकार की चीजें बोल करके लिख करके हो सकता है आपको बुक की जो USP है उसका सेलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, पर ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों लिख रहे हैं इसको, सोते समय 4 बार सलमान खुर्शीद को सोचना चाहिए और प्रियंका गांधी को भी सोचना चाहिए जो मंदिर मंदिर घूम रही हैं
और उनके सारे किए धरे पर ही पानी फेर दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से ये कांग्रेस का भी नुकसान कर रहे हैं, लार्जर पिक्चर में देश का नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं और राजनीति का भी नुकसान कर रहे हैं। भारतीय राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है वो अच्छे संकेत मुझे नहीं दिख रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लिखने की जरूरत ही क्या है, हिंदुत्व को, हिंदुत्व के बारे में सवाल उठाने की जरूरत ही क्या है? खतरनाक है। किसी और मजहब, किसी और धर्म, किसी और संस्कृति के बारे में सवाल नहीं उठते, लेकिन हर बार हिंदुत्व पर, हिंदुस्तान पर, राम पर क्यों ये सवाल उठते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है रविंद्र जी। बड़ा सवाल ये उठता है, आप एक तो कश्मीर मुद्दे पे कुछ कहना चाह रहे थे जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है उसको लेकर के, वहीं दूसरा सवाल मेरी तरफ से ये जोड़ लीजिएगा कि क्या जरूरत है सलमान खुर्शीद को इस पे लिखने की? अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चुनाव के वक्त में मंदिर मंदिर घूमते हैं, टीका लगाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने की और उसको धूमिल करने की और उसको एक रुइन करने की कोशिश की गई है सलमान खुर्शीद की तरफ से? और उस पर जो बयान वो भी पक्ष में आया है, चाहे वो राशिद अलवी हो उनकी तरफ से या फिर राहुल गांधी ने भी अगर कोई बात कही है उनकी तरफ से भी अगर आता है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरफ आप हिंदुत्व की छवि दिखाते हो बट आप मानते नहीं, आपके विचार में बहुत ही अलग है? देखिए, जहां तक बात नैरेटिव बिल्डिंग की है, मैं मानता हूं कि नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसके जाल में बिना काम के कांग्रेस फंस रही है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और जैसे कश्मीर के हिंदुओं का पलायन देखिए, वहां पर नैरेटिव बिल्डिंग जो की गई, ये कहते हैं कि हिंदुओं का पलायन हुआ, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की समर्थक सरकार थी, तो दोनों बार भाजपा और भाजपा के समर्थक की सरकार होते हुए एक इस पलायन की पूरी नैतिक भी और पूरी की पूरी राजनीतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेने की जगह भाजपा उसी के ऊपर जो है एक खेलते खेलते यहाँ तक आ गई कि उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस को सिद्धार्थ ज्यादा बोलना चाहिए कि भाई हिंदू की यदि कोई दिक्कत है, अगर हिंदू को दिक्कत आती है तो कब आती है? जब भाजपा की सरकार होती है। भाजपा जब तक सरकार नहीं होती है तब तक हिंदू वैसे भी सुरक्षित है। तो भाजपा के इस नैरेटिव को हिंदू जो है वो सुरक्षित नहीं है, भाजपा की सरकार थी जब हिंदुस्तान, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है? मैं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस को को सामने रखना चाहिए देश के आगे कि भाजपा एक झूठा नैरेटिव खड़ा करती है कि हिंदू या हिंदुत्व खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ना ही ऐसा कुछ भी हो सकता है। और कांग्रेस को ऐसे इस प्रकार के प्रपंच में फंसने की आवश्यकता ही नहीं है, ना इस प्रकार के बयानबाजी में आना चाहिए, ना ही इस प्रकार के नेताओं का या इस प्रकार के बयान का कोई समर्थन करना चाहिए। तो क्या जरूरत थी सलमान खुर्शीद को अपनी किताब में लिखने की? क्या जरूरत थी इस तरह के बयानों को पक्ष में रखने की राशिद अलवी की? क्या जरूरत थी फिर, क्यों उन्होंने किया? आपको मैं यही कह रहा हूँ कि यदि एक व्यक्ति गलत बोलता है, हाँ, तो यह उसकी निजी जिम्मेदारी है, उसका किसी भी संगठन से लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बयान भी तो पार्टी की तरफ से आना चाहिए ना कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। ये तो नहीं आया उसके ऊपर राशिद अलवी, राहुल गांधी सबने अपनी अपनी टिप्पणियां की, सिर्फ एक गुलाम नबी आजाद को छोड़ दी तो उन्होंने नहीं किया। मैं यही कह रहा हूँ, जिस प्रकार एक नैरेटिव बना करके एक धर्म विशेष के खिलाफ पूरे देश को खड़ा करके भारतीय जनता ने काम किया है, कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उसके बीच में फंस करके, उस जंजाल में फंस करके कांग्रेस को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमें उस मामले से बाहर निकलना चाहिए तो कैसे निकलना चाहिए। तो भाजपा कांग्रेस कोई अभी जन्मी नई पार्टी थोड़ी ना है, अभी जन्मी नई पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह थोड़ी ना है कि वो जाल में फंस जाएगी। देखिए, फासिज्म की जो सरकार जिसे कहते हैं हम, ये भी कहते हैं कि मेजोरिटी को माइनॉरिटी से खतरा जब भी पूरी दुनिया में हुआ है, चाहे हिटलर राज में जो है क्रिश्चियंस को जू से खतरा रहा हो, चाहे आज भाजपा राज में हिंदुओं को मुस्लिम से खतरा है, ये फासिज्म का जब भी सिस्टम आता है, ये पहली बार भारत के अंदर आया है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस नैरेटिव से निकलने का कांग्रेस के पास कोई रास्ता उनके विश्लेषक और चिंतकों ने बताया ही नहीं, वो उसके अंदर फंस रहे हैं बजाय इसके उसके निकलना। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि धर्म केवल निजी आस्था का विषय है, वह राजनीति का विषय कभी नहीं हो सकता, वह संविधान का विषय। लेकिन बनता है ना, देखिए आप खुद ही देखिए, यूपी का चुनाव है उसके पहले इस तरह का बयान आ रहा है, और धनंजय जी से भी जो तमाम आपने बातें कही है उस पर जवाब ले लेते हैं। वहीं धनंजय जी एक सवाल भी जोड़ देती हूँ, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, बैठे बिठाए आपके हाथ में लड्डू तो आ गए हैं, इस तरह का बयान भले ही कांग्रेस के लिए उनके पैर में कुल्हाड़ी साबित हो लेकिन आपके लिए तो लड्डू है। किरण जी देखिए, हम लड्डू और मिठाई की बात नहीं कर रहे हैं,
जो भाई साहब अभी बैठ कर प्रवचन दे रहे हैं, 56 इस्लामिक देश हैं, इन्हें कहिए कि किसी भी देश में जाकर के इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल के दिखा दें, बगल में पाकिस्तान चले जाएं, बगल में अफगानिस्तान चले जाएं, और जॉर्डन चले जाएं, सीरिया चले जाएं, कहीं चले जाएं और जाके कुछ बोल के दिखा दें। गुलाम रसूल के 21 सजा सरधड़ से जुदा, सरधड़ से जुदा। और ये पूरी दुनिया में जो तमाशा मचा रखा है, पूरी दुनिया में आतंकवाद और तत्वगारत का जो माहौल बना रखा है, भारत में भी कश्मीर उसका अंग है। आप देखते जाइए क्या क्या हुआ, धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ था ना, वो कुत्सित मानसिकता, वो विचार आज भी पुष्पित और पविल्लवित है और एक राजनीतिक पार्टी द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है। अब देश का बहुसंख्यक समाज उसको समझ गया है, जागृत हो रहा है, सबल समर्थ और नए रूप में खड़ा हो रहा है। तो इस समाज में कुछ दीमक छोड़े गए हैं जो इस समाज को चाटने का काम कर रहे हैं, कुछ लकड़ी छोड़ी गई है जो कुल्हाड़ी के पीछे लगकर अपने जंगल को काटने का काम कर रही है। ऐसे ही कुछ लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं और ऐसे ही लोग को कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम देश की रक्षा के लिए, स्वयं के लिए, इदम राष्ट्रा इदम नमः, हम राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं। हमारा कुछ नहीं, निधि का कोई चीज नहीं, जो भी है राष्ट्र के लिए समर्पित है और हम इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो लबो लुबाव इस बड़ी बहस का यही निकल करके सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब मंथन करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि एक धर्म को लेकर के, अगर आप वो भी खास तौर से हिंदुत्व को लेकर के, अगर आप इस तरह के कोई भी बयान देते हैं, इस तरह की किताबों में कोई भी भाषा का उपयोग करते हैं कि वो ISIS और बोको हरम जैसे शब्दों का या उससे उसकी तुलना करते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस के विचार पर, सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस एक तरफ तो मंदिर मंदिर घूम रही है चुनाव में वोट पाने के लिए और वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बातें लिखी जाती है जिसको लेकर के अभी तक माफी नहीं मांगी गई है, जिसको लेकर के अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि यह सलमान खुर्शीद का खुद का व्यक्तिगत विचार है और उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है, यह पार्टी का विचार बिल्कुल भी नहीं है। इसको लेकर के कांग्रेस को समझने की जरूरत है। इसी के साथ हमारी आज की इस बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।